रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट ऑन डेली बेसिस वी आर गिविंग 15 एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस फॉर यू इन दिस वीडियो सीरीज वी विल आल्सो सॉल्व प्रीवियस ईयर एग्जाम्स पेपर लेटर फेज यू कैन एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर आरआरबी एग्जामिन यू फॉर मोर प्रैक्टिस यू कैन परचेज आवर बुक्स ऑन रेलवे एग्जाम्स फ्रॉम गिवन लिंक ऑफ Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. रामानुज ने किसका उपदेश दिया? A. अहिंसा का B. ज्ञान का C. भक्ति का D. वेद का और सही जवाब होगा ऑप्शन C. रामानुज वैष्णव संप्रदाय से संबंध रखते हैं उन्होंने भक्ति का उपदेश दिया क्वेश्चन नंबर 2 ब्लैक होल एपिसोड निम्न का मुख्य कारण था ए बक्सर का युद्ध बी पलासी का युद्ध सी वांडीवाश का युद्ध डी हल्दी घाटी का युद्ध सही जवाब होगा ऑप्शन सी ब्लैक होल एपिसोड पलासी के युद्ध का मुख्य कारण था क्वेश्चन नंबर 3 इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी ए 7वीं शताब्दी में बी 5वीं शताब्दी में सी 8वीं शताब्दी में डी 9वीं शताब्दी में सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म की स्थापना हुई थी इस धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब थे मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक स्थान में ज्ञान प्राप्त हुआ था पैगंबर की मृत्यु 632 ईस्वी को हुई इन्हें मदीना में दफनाया गया क्वेश्चन नंबर 4 राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होने के कारण क्या हैं? ए यहाँ काफी गर्मी पड़ती है बी पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण हवा शुष्क रहती है सी इस क्षेत्र में पहुँचने में मानसून विफल होता है डी हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है जिससे कि ये ऊपर उठकर ठंडा हो सके सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान भारत के पश्चिमी भाग में अवस्थित है पश्चिम की ओर से स्थित क्षेत्र में वर्षा होने की संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि वहां पहुंचते पहुंचते मानसून की गहराई बहुत कम रह जाती है हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है जिससे कि ये ऊपर उठकर ठंडा हो सके अतः राजस्थान के साथ लगे भागों में कम वर्षा होती है क्वेश्चन नंबर 5 व्यावसायिक बैंक सामान्यतः ब्याज नहीं देता ए बचत जमा खाते पर बी चालू जमा खाते पर सी सावधि जमा खाते पर डी आवर्ती जमा खाते पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यावसायिक बैंक सामान्यतः चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देता है क्वेश्चन नंबर 6 हिरोशिमा दिवस कब मनाते हैं ए 10 अगस्त को बी 4 जुलाई को सी 6 अगस्त को डी 5 जून को सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था क्वेश्चन नंबर 7 द स्ट्रगल इन माय लाइफ के लेखक कौन हैं ए नेल्सन मंडेला बी जवाहरलाल नेहरू सी तिलक डी गोखले सही जवाब होगा ऑप्शन ए द स्ट्रगल इन माय लाइफ मंडेला की आत्मकथा है क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था ए डॉक्टर जाकिर हुसैन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सी डॉक्टर वी वी गिरी डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन सही जवाब होगा ऑप्शन डी डॉक्टर एस राधाकृष्णन को वर्ष 1954 ईस्वी में भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था क्वेश्चन नंबर 9 डर्बी किससे संबंधित है ए गोल्फ से बी घुड़दौड़ से सी बिलियर्ड से
डी बॉक्सिंग से। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, डर्बी कप घुड़दौड़ से संबंधित है। ब्लू रिबन ट्रॉफी, ग्रैंड नेशनल कप, बीडर्स कप, गुड बुक कप, प्रेस्टन गोल्ड कप, चेंडहर्न गोल्ड कप आदि घुड़दौड़ से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतवर्ष में ईसाइयों की सबसे अधिक आबादी कहां पर है? ए सिक्किम में, बी अरुणाचल प्रदेश में, सी मध्य प्रदेश में, डी नागालैंड में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारतवर्ष में ईसाइयों की सबसे अधिक आबादी नागालैंड में है। क्वेश्चन नंबर 11, किस फसल के उत्पादन में केरल अग्रणी नहीं है? ए इलायची के, बी नारियल के, सी लौंग के, डी टापियोका के। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इलायची के उत्पादन में केरल राज्य अग्रणी नहीं है। इलायची के उत्पादन में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। भारत के कुल उत्पादन के 45% इलायची का उत्पादन कर्नाटक राज्य अकेला करता है। हसन, मुंजेराबाद, मैसूर, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, कोडागु, शिमोगा इत्यादि कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? ऑप्शन ए एक्सॉन, बी नेफ्रॉन, सी न्यूरॉन, डी पिथ फाइबर। सही जवाब है ऑप्शन बी, हर गुर्दे में लगभग 10 लाख विक्राणु यानी कि नेफ्रॉन होते हैं, जिनमें से हर विक्राणु मूत्र बनाने वाली एक स्वतंत्र इकाई होती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई के रूप में विक्राणु रक्त का प्रारंभिक निस्यंदन पूर्ण करके निस्यंद से उन पदार्थों का दोबारा अवशोषण कर लेते हैं जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, तथा व्यय पदार्थ मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर में किस स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है? ए कोलकाता में, बी दिल्ली में, सी अमृतसर में, डी चेन्नई में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भारत का प्रायद्वीपीय भाग भूमध्य रेखा के अधिक निकट है। चेन्नई भारत के प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है तथा समुद्र के किनारे अवस्थित है, इसलिए दिसंबर के महीने में भी चेन्नई में अधिकतम और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 14, संतुलन कीमत वो कीमत है जिसमें ए विनिर्माता का लाभ अधिकतम होता है, बी उपभोक्ता और उत्पादक का अधिशेष अधिकतम होता है, सी उपभोक्ता की तृप्ति अधिकतम होती है, डी पूर्ति और मांग समान होती है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संतुलित कीमत वो कीमत है जिसमें पूर्ति और मांग समान होती है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति घटती है। संतुलित कीमत पर वस्तु की मांग एवं पूर्ति में संतुलन स्थापित रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, सरोजनी नायडू के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? ए वो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, बी वो स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल थी, सी वो स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, डी उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक गोल्डन बांध लिखी है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम राज्यपाल थी। वो 1947 से 49 तक उत्तर प्रदेश की गवर्नर रही और सन 1925 ईस्वी में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की।